अमावस्या की काली रात को उजाले से भरने वाला त्योहार है दिवाली। दीपावली यानी दीपों की अवली, जिसकी रोशनी आपके जीवन को खुशियों और सुख समृद्धि से भर देती है। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है दिवाली। इस दिन भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या वापस आए थे और उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को घी के दियों से रोशन कर दिया था। पूरी अयोध्या खुशी से झूम रही थी और तभी से इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। दीपावली यानी रोशनी का त्योहार, खुशियों का त्योहार, दीपों का त्योहार, जश्न का त्योहार, सुख समृद्धि का त्योहार और बहुत सारी मिठाइयों का त्योहार। कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला ये त्योहार असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। अमावस्या की रात घोर अंधेरे वाली रात होती है, लेकिन फिर भी इस दिन अंधेरा नहीं बल्कि चारों ओर रोशनी होती है। वो रोशनी जो खुशियों और समृद्धि से आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से दिवाली वो त्योहार है जिससे जुड़ी हैं कई कहानियाँ। पहली कहानी तो सभी जानते हैं कि 14 बरस का वनवास काल जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे तब मनी थी दिवाली। अन्याय के प्रतीक रावण का वध करके जब भगवान राम अपने घर वापस आए थे तब मनाई गई थी दीपावली। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना के लिए जब आए थे भगवान तब मनी थी दिवाली। यह त्योहार हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, हमें अच्छे कार्यों को करने के प्रयासों के लिए शक्ति देता है। त्योहारों के इस महात्योहार दिवाली की तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है। भगवान के आगमन के लिए लोग घरों की सफाई करते हैं, घरों को रोशनी से नहला दिया जाता है। माना जाता है कि जहां साफ सफाई होती है वहां साक्षात धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मिठाई खिलाकर इस पावन त्योहार को मनाते हैं। माँ लक्ष्मी और मंगलकर्ता गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। एक पौराणिक कथा के मुताबिक राक्षस और देवताओं द्वारा समुद्र मंथन के समय धन की देवी लक्ष्मी दूध के समुद्र से कार्तिक महीने की अमावस्या को ब्रह्मांड में आई थी। यही कारण है कि यह दिन माता लक्ष्मी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिवाली के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन माँ लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करने के पीछे भी एक मान्यता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी उसी के पास टिकती है जिसके पास बुद्धि होती है। वही इंसान लक्ष्मी अर्थात धन का संचय कर सकता है और गणपति बुद्धि के स्वामी हैं। यही वजह है कि लक्ष्मी और गणपति की एक साथ पूजा का विधान है जिससे धन और बुद्धि एक साथ मिले। मारवाड़ी और गुजराती समाज दिवाली के त्योहार को नए वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। वहीं जैन समाज और सिखों के लिए दीपावली का दिन बेहद खास होता है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की स्थापना भी वर्ष 1577 में दिवाली के मौके पर की गई थी। वहीं जैनियों के तीर्थंकर महावीर जिन्होंने आधुनिक जैन धर्म की स्थापना की उन्हें इस विशेष दिन निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में जैनियों के लिए ये दिन विशेष होता है। दिवाली के इस पावन त्योहार को विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। जी हाँ, मान्यताएं चाहे जो भी हो, दीपों का यह महापर्व हमारे अंदर के अंधकार को दूर कर स्वयं को प्रकाशित करने की प्रेरणा देता है। तो क्यों ना हम एक और दिया अच्छाई के लिए जलाएं, ताकि हमारे आसपास फैली अंधकार रूपी बुराई का नाश हो जाए। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। देखते रहिए डीपी लाइव।